गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं जस फ्रॉम सैम एंड जस। आज फिर आया हूं आप लोग का एक और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और आज का क्वेश्चन है, स्ट्रेटनिंग हम लोग करते हैं, स्ट्रेटनिंग मतलब रिलैक्सिंग क्रीम जो हमारी फर्स्ट क्रीम रहती है उसका पीएच बैलेंस कितना होता है। तो उसका पीएच बैलेंस होता है 10.5 एंड मोर, किसी किसी कंपनी का 10.5 तो होना ही है और उससे ज़्यादा भी होता है। तो आप कभी भी स्ट्रेटनिंग करते हो, यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगा, क्लाइंट को बता देना बाल स्ट्रेट ज़रूर होते हैं लेकिन आपके बालों का पीएच बैलेंस एल्कलाइन की तरफ जाता है, बालों में से मॉइस्चर निकलता है। देखने को ही सीधे हैं लेकिन अंदर मॉइस्चर नहीं रहता। फिर भी अगर क्लाइंट को कराना है तभी करना, लेकिन पहले क्लाइंट को एडवाइस ज़रूर करना। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी काम आप अपने सैलून में करते हो क्लाइंट के साथ में, पहले उसकी पूरी डिटेल दो आप क्लाइंट को। आप कलर के साथ कर रहे हो, आप शैम्पूज के बारे में बता रहे हो जैसे हम लोग ने पहले भी बात की है, आप कोई भी ट्रीटमेंट उनको करते हो उसके प्रोज एंड कॉन्स आप उनको बताओ, उसके बेनिफिट्स बताओ, उसके क्या नुकसान आ रहे हैं वो बताओ। आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट को अगर आपने एडवाइस करना शुरू कर दिया और उसके बाद में वो डिसीजन लेते हैं तो फिर वो उनका डिसीजन है, लेकिन एज अ डॉक्टर जब आप काम करते हो तो आपको इन एंड आउट आपके काम का पता होना चाहिए। स्ट्रेटनिंग का मतलब मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर निकलता है क्योंकि हम वहाँ पे स्ट्रेटनिंग क्रीम को यूज़ कर रहे हैं। यस, न्यूट्रलाइजर के बाद में थोड़ा सा जो उसका पीएच स्केल है वो थोड़ा कम होता है लेकिन फिर भी बालों में से मॉइस्चर निकलता है। उसके बाद में आपको क्लाइंट को बताना है, समझाना है कि उनको आके बार बार स्पा ट्रीटमेंट्स करने हैं या और बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, उनके बारे में बात करूंगा मैं बहुत जल्दी, तो हमारे सैलून में होते हैं, आप वो करो ताकि उनके बालों की क्वालिटी ख़राब ना हो। बस इतना ही चाहता हूं कि अगर आप सैलून में काम करते हो तो क्लाइंट्स के बालों की क्वालिटी बेटर करो, उनके लुक्स बेटर करो, रेदर देन कि आप उनके बालों को ख़राब करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। लेकिन हाँ, अगर किसी क्लाइंट की डिज़ायर ये है, किसी क्लाइंट को करना ही है तो फिर हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले बताओ उसकी बात करो। मुझे लगता है आज भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। बाकी जाने से पहले फिर वही बोलूँगा कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लास्ट बैचेस ऑनलाइन के जो 1200 रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ में अभी है, ये लास्ट बैचेस हैं। इसके बाद में अगर आपने यही कोर्सेज अक्टूबर में ज्वाइन किए तो ये कोर्सेज होंगे आपके 10,000 rupees फॉर 3 months। अभी आपने एनरोल कर लिया, अभी न्यू बैचेस हमारे अक्टूबर में होंगे, लेकिन अगर आपने इस मंथ अगर आपने ज्वाइन किया तो वो 1200 का होगा। आपको बाद में मैसेज आएगा और वो मैसेज आपका जो भी लिंक हम लोग देने वाले हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अक्टूबर में। अगर आपको करना है 1200 rupees दे करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हो। देर आर लॉट ऑफ टाइमिंग्स, मॉर्निंग से लेकर के रात तक की टाइमिंग है, जो भी टाइमिंग आपको सूट करती है आप कर सकते हो। बाकी बहुत सारे बच्चे इसके बेनिफिट्स उठा के अभी उन्होंने उठाए हैं इसके, और बहुत सारे बच्चों ने लर्न किया है, बहुत एंजॉय भी किया है, और अभी जैसे हमारे बैचेस एंड पे आ रहे हैं तो इमोशनल भी हो रहे हैं बच्चे, काफ़ी बोल रहे हैं कि मतलब एक रूटीन बन गया था, एक फैमिली बन गई थी, किसी में 500 बच्चे हैं, किसी में 400 बच्चे हैं, किसी में तो एक फैमिली बन गई थी, इतनी बड़ी फैमिली हो गई थी उन लोगों की, तो कहीं ना कहीं इमोशनल भी होते हैं। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि अगर आप लोग को ज्वाइन करना है अभी कभी ज्वाइन करो, और जैसे ही आप ज्वाइन करते हो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हमारी कौन सी डेट है, कैसे है। बाकी हमारी अकेडमीज़ भी सब ओपन हो चुकी हैं। अगर मैं अकेडमी की बात करूँ तो हमारी महाराष्ट्र में, अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे मुंबई में अकेडमीज़ हैं, जैसे वर्सोवा में है, खारघर है, डोंबिवली है। अगर मैं पुणे की बात करूँ तो बहुत सारी बोसरी में है, स्वार गेट में है, बहुत सारी अकेडमीज़ हैं पुणे में, हमारी 4 अकेडमीज़ हैं वहाँ पे। बाकी सैलून भी बहुत हैं। नागपुर में हमारी अकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है, अकेडमीज़ बहुत आ गई यहाँ पर हमारी। जहाँ पे भी आप हो इन्फॉर्म करो, आप बिहार में हो, आप झारखंड में हो, आप यूपी में हो, आप दिल्ली में हो, आप पंजाब में हो, हरियाणा में भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, आप कहीं पे भी हो इसके आसपास में इमीडिएटली फ़ोन करो, बात करो। फ़ोन मत करो, आप व्हाट्सअप करो, ये नंबर दिख रहा है ना, व्हाट्सअप करो, ऑनलाइन के लिए भी, अकेडमी के लिए भी। आपको आंसर में भी थोड़ा लेट मिले, पेशेंटली आप देखना, ज़रूर मिलेगा आपको आंसर इसका। आप ज्वाइन कर सकते हो अकेडमी, टाइम को वेस्ट मत करो, फटाफट एकेडमी ज्वाइन करो, वेट करेंगे हम लोग हमारे ऑनलाइन क्लास में या एकेडमी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।